झलक का लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, अंजाम और नवाल की किससे शादी होगी, हमजा यहाँ पर आने वाले एपिसोड में क्या करने वाला है, इस ड्रामे की मुकम्मल कंप्लीट कहानी हम आप लोगों को बताने वाले हैं ओएसटी देखने के बाद, प्रोमोस देखने के बाद। तो यहाँ पर स्टोरी आगे पीछे हो सकती है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन वीडियो होने वाली, पेशगोई वीडियो होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ड्रामे में आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो सबसे पहले कि झलक आलिया को जो है वो नजरों से गिराना चाहती है, यहाँ पर उसके कपड़े फाड़ देती है, बहुत कुछ कर रही है। और बाद में यहाँ पर जानबूझ के जब देखेगी कि यहाँ पर ये कबीर और यहाँ पर उसका भाई आ रहा है, तो यहाँ पर आलिया से खुद ब खुद धक्का मरवा के नीचे गिर जाएगी, कहेगी यहाँ पर कबीर इसने मुझे धक्का मारा। और नाजरीन आलिया कहेगी ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन नाजरीन यहाँ पर कबीर भी जो है वो तो कुछ नहीं पहले बोल सकेगा। और नाजरीन यहाँ पर इसका भाई कहेगा तुम चुप कर जो, आइंदा के बाद ऐसा कुछ भी मैं मत देख, आलिया को चुप करवा देगा। और जिसके बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पर आलिया जो है वो बार बार ये कहना चाहेगी कि यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक लड़की नहीं है, ये जानबूझ के कर रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कबीर को इतना ज़्यादा अपनी तरफ अंधा कर देगी यहाँ पर नाजरीन फलक, यहाँ पर वो इसकी मोहब्बत में इतना ज़्यादा अंधा हो जाएगा कि यहाँ पर वो सारे के सारे एहसान जो है वो आलिया के भूल जाएगा। और आलिया को यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैरत की निगाहों से देखना शुरू कर देगा कि भाभी आप ऐसा कैसे कर सकती हो। और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन लोगों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, और जिसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर फलक काफ़ी ज़्यादा खुश होना शुरू हो जाएगा। और शायद यहाँ पर फलक जो है वो बिजनेसेस वगैरह के भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान रखना शुरू कर दिया, ऐसा हम लोगों को शायद दिखाया जाए। लेकिन आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखने वाले हो दूसरी जानों के नवाल और हमजा। नाजरीन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन लोगों में जो है वो गर्मा गर्मी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर इसकी माँ जो हमजा की वो चाह रही है कि यहाँ पर इसकी कज़न के साथ शादी करे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं चाहता, ये सिर्फ और सिर्फ नवाल को चाहता है। नवाल यहाँ पर चाह रही है कि अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करे, और इस वजह से वो असजद को बहुत ही ज़्यादा चाह रही है, लेकिन असजद की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिमांडें हैं, बहुत ज़्यादा लालची हैं, और वो ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी माँ नहीं तोड़ने देगी। और नाजरीन जो कुछ ये चाहते हैं वो देने को तैयार तो हो जाएगी, शादी तक शायद बात भी पहुँच जाए, लेकिन नाजरीन बाद में हो सकता है कि यहाँ पर हमजा जो है इस नवाल को जो है उठा कर ले जाए और कहे कि यहाँ पर मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, और नाजरीन शायद इससे जो है ज़बरदस्ती शादी कर ले, और यहाँ पर ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा नवाल जो है घुट घुट के ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी माँ की मौत वाकया हो जाए, हम लोगों को इस तरह से भी दिखाया जा सकता हो, जिसकी वजह से नवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा डिप्रेस हो जाए। और नाजरीन यहाँ पर हमजा की शक्ल भी ना देखना चाहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके में नरमी भी पैदा होना शुरू हो जाएगी, लेकिन नाजरीन यहाँ पर इसकी माँ जो है ये नहीं चाहेगी, यहाँ पर इसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो डांटा करेगी नवाल को। और नाजरीन यहाँ पर इसकी कज़न भी जो हमजा की वो भी बिल्कुल इसे नहीं चाहेंगे, इसे घर से धक्के मार के बाहर निकालना चाहेंगे, ताकि यहाँ पर जो है इसे घर से निकाल दिया जाए और यहाँ पर जो है वो अपने यहाँ पर जो भतीजी भांजी जो भी है उसे अपने साथ रख सके। लेकिन नाजरीन इसमें भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाब तो होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को आने वाले एपिसोड में दूसरी जानब ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर फलक जो है वो फाइनली प्रेगनेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा वो जो है शातर हो जाएगी। यहाँ पर आगे ही कबीर को उसने इतना ज़्यादा बदजन कर दिया होगा यहाँ पर आलिया की तरफ से कि नाजरीन यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा जो है कबीर एहतियात बरतेगा और नाजरीन इसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता घुमाएगा फिराएगा। लेकिन नाजरीन आलिया को और ज़्यादा गिराने के लिए यहाँ पर और ज़्यादा स्कीमें लगाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों को जो है और ज़्यादा मज़ीद झगड़े बढ़ते हुए दिखाए जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि थोड़े से अलग कहें कि यहाँ पर आप यहाँ पर इधर नहीं जाएंगी, इसके खाने पीने पे आप लोग नज़र नहीं रखेंगे, और यहाँ पर ये सब कुछ आलिया अब नहीं करेगी, यहाँ पर मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा, जिसकी वजह से आलिया बहुत ज़्यादा हर्ट होगी और कहेगी ये जानबूझ के सब कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। और नाजरीन आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि नाजरीन आने वाले एपिसोड्स में कि नाजरीन यहाँ पर पहले जो है इसकी डिलीवरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी जल्दी हो जाएगी कुछ माह के बाद, जिसके बाद नाजरीन ये एक प्यारी सी बेटी जो है वो पैदा होगी, जो कि नाजरीन बहुत ही ज़्यादा प्यारी होगी, यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन नाजरीन यहाँ पर शायद जो है वो हाथ वगैरह भी ना आलिया को और यहाँ पर उसके भाई को लगाने दे, लेकिन कबीर के सामने यहाँ पर जो है वो उसके सामने बातें करना शुरू कर दें कि आलिया भाभी से उठाती नहीं है, इससे प्यार नहीं करती, ये है वो है ब्ला ब्ला ब्ला, और यहाँ पर कहे कि हमें अलग हो जाना चाहिए, तो जिसकी वजह से शायद कबीर इस बारे में भी सोच ले। आपके ख्याल से यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है, ज़रूर से बताइएगा। और उसके साथ साथ नाजरीन आप लोग ये भी देखने वाले हो कि फलक को यहाँ पर कोई शायद देख ले ब्रांड का यहाँ पर कोई आदमी, जिसके बाद वो यहाँ पर इसे ऑफर कर देगा कि
आप जो है मैम हमारी जो है वो मॉडलिंग कर सकती हैं इस चीज़ के लिए। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर ये जो है वो शायद कबीर के पास जाए जाकर पूछे कि कबीर यहाँ पर मैं ये करना चाह रही हूँ तो यहाँ पर क्या मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो कहेगा कि नहीं पैसा हमारे पास बहुत है तो वह ऐसा बिल्कुल भी फालतू काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाजरीन यहाँ पर ये जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो जाएगी जाकर जो है वो ब्रांड के साथ पिक्चर्स वगैरह लेगी, बहुत ज़्यादा इसे जब पेमेंट मिलेगी तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। और नाजरीन जब इसकी ये सारी की सारी कंपेन वगैरह और तस्वीरें वगैरह जब ऑन ईयर होंगी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्से में आ जाएगा कबीर और कहेगा कि यहाँ पर मैंने तुम्हें कहा था कि मॉडलिंग नहीं करनी तो तुमने क्यों की, जिसकी वजह से इनकी तू मैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जिसके बाद यहाँ पर ये जो है वो शायद डिवोर्स तक बात पहुँच जाए और यहाँ पर यह बच्ची को भी रखने से इनकार कर दे कि यहाँ पर मेरा कितना ज़्यादा कमाल का फिगर है तो मैं यहाँ पर अच्छी दिख रही हूँ और मैं किसी की बेटी जो है वो बेटी की माँ नहीं कहलाना चाह रही, जिसकी वजह से ये बच्ची भी तुम रखो और यहाँ पर जो है डिवोर्स है लेके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छा जाएगी मॉडलिंग की दुनिया में और जिसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठोकरें भी खाएगी और यहाँ पर जो है वो अकेला ही यहाँ पर कबीर पाल रहा होगा अपनी बच्ची को और यहाँ पर कुछ सालों बाद जो है वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और जिसके बाद यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी भी ममता जो है वो किसी न किसी गर्ज की वजह से वो जो है वो जागना शुरू हो जाएगी यहाँ पर फलक की और यहाँ पर ये जाग पहुँचेगी और कहेगी ये बेटी मेरी है, जिसके बाद यहाँ पर आगे से कह देगा यहाँ पर जो नाजरीन यहाँ पर कबीर है वो कहेगा कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, इससे जो है तुमने खुद ब खुद डिवोर्स लिया था, ये वो इस तरह की बातें होंगी। और नाजरीन जिसके बाद यहाँ पर ये जो है वो बिल्कुल नहीं जाने देगा, लेकिन नाजरीन यहाँ पर वो ज़बरदस्ती शायद जो है वो बच्ची को किडनेप कर ले, कुछ भी कर सकती है, ऐसा हम लोगों को दिखाया जा सकता है आने वाले एपिसोड्स में। बहुत ज़्यादा ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसके बाद आप लोग ये भी देखोगे कि यहाँ पर जो है हमज़ा और नाजरीन यहाँ पर जो है हमज़ा और ज़्यादा तरक्कियाँ कर रहा है, बहुत ज़्यादा और बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, जिसकी वजह से नाजरीन यहाँ पर इसकी नज़र जो है अब यहाँ पर नवाल के जो है हस्बैंड पे होगी और नाजरीन जिसके बाद ये जो है उसे जो है वो जो है अपनी तरफ करना शुरू कर देगी, अट्रैक्ट करेगी और नाजरीन यहाँ पर वो होना भी शुरू हो जाएगा माइल। पहले वो इसकी बहन समझेगा लेकिन नाजरीन यहाँ पर वो बाद में जब यहाँ पर ये दोनों की दूरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा ये लोग जो है वो एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू हो जाएंगी, ये शादी के लिए भी कहेगा तो मैं अब इससे शादी करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर नवाल और नाजरीन फलक की लड़ाई होगी। लेकिन नाजरीन यहाँ पर बाद में यहाँ पर शायद हो सकता है कि शादी तक बात पहुँचे लेकिन शादी ना हो सके और इसके साथ साथ नाजरीन यहाँ पर कोई और अमीरी से आदमी मिल जाए, वो इसे उठा कर ले जाए, इसके साथ शादी कर ले, या फिर नाजरीन बाद में जो है इसे बंदी बना कर रखे, इसे बहुत ही ज़्यादा मारे पीटे करे, प्यार ना करे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रो रो के माफिया वगैरह मांगती रहा करे। इसी तरह से हम लोगों को इसका एंड दिखाया जा सकता है। ये सिंपली मैंने बता दिया है, आपके ख्याल से ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ज़रूर से बताएगा। ये थी हमारी प्रेडिक्शन वीडियो, प्रेडिक्शन की वीडियो को लाइक दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना को बेफ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।